हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड आवर टॉपिक दैट इज अल्फा ब्लॉकर. सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द बीटा ब्लॉकर. इन दिस वी हैव ड्रग्स विच आर एक्टिंग ऑन बीटा वन एंड बीटा टू बोथ. देन वी हैव ड्रग एक्टिंग ऑन बीटा वन ओनली, बीटा वन ब्लॉकर. एंड लास्टली वी हैव बीटा टू ब्लॉकर, दैट इज ब्यूटॉक्सामीन. ब्यूटॉक्सामीन इट इज क्वाइट सिमिलर टू अल्फा टू ब्लॉकर. किस चीज में सिमिलर है? बिकॉज इट हैव नो थेरापोटिक यूज. नो थेरापोटिक यूज. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट बीटा वन और बीटा टू ब्लॉकर. ओके, सो फर्स्टली बीटा वन. अब बीटा वन का एक्शन सिर्फ कहां होता है? हार्ट पे होता है. सो दिस ड्रग इज ऑल्सो नोन एज, बीटा वन ब्लॉकर इज ऑल्सो नोन एज कार्डियो सिलेक्टिव. ओके, कार्डियो सिलेक्टिव. एंड दिस इज नोन एज नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. ओके, सो अब बात करते हैं कि अगर हमको सिर्फ हार्ट पे इफेक्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बीटा वन ब्लॉकर. और अगर हमको बीटा वन और बीटा टू इफेक्ट चाहिए, बीटा टू का इफेक्ट कहां कहां पे होता है? बीटा टू का इफेक्ट किस पे होता है? एक तो ब्रोंकाई में होता है. क्या करता है यहां पे? ब्रोंको डायलेशन कराता है. सो अगर बीटा टू का ब्लॉकेड हुआ, इफ बीटा टू ब्लॉकेड प्रेजेंट, देन इट विल कॉज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. सो बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्मा. ओके, सो बीटा ब्लॉकर आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्मा. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एक्शन ऑन द ब्लड वेसल. सो ब्लड वेसल्स पे ये क्या करता है? वेजो डायलेशन कॉज करता है, ठीक है. और क्या करता है ब्लड वेसल्स पे? क्या करेगा? जो बीटा रिसेप्टर रहता है ब्लड वेसल्स पे क्या करता है? डिक्रीज करेगा पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को. और उसके बाद क्या करेगा? ब्रोंको डायलेशन कराएगा. क्या कराएगा? सॉरी, ब्लड वेसल में क्या कराएगा? वेजो डायलेशन कराएगा. क्या कराएगा? वेजो डायलेशन कराएगा. लेकिन इफ बीटा टू ब्लॉकेड इज प्रेजेंट, ओके, सो इट विल कॉज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. सो दीज ड्रग्स आर बीटा टू ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेनॉल्ड्स डिजीज. ओके, सो बीटा टू ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेनॉल्ड्स डिजीज. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन, दैट इज ऑन द लिवर. ओके, सो लिवर में क्या कराता है? ग्लाइको नियो ग्लाइकोजेनेसिस कराता है. ओके, लेकिन अगर बीटा टू ब्लॉक हो जाएगा, इफ बीटा टू इज ब्लॉक्ड, देन इट विल इनहिबिट ग्लाइकोजेनेसिस. Okay, it will inhibit glycogenesis. So it is contraindicated in diabetes. Okay, it is contraindicated in diabetes. Okay, so these are the three main diseases, that is asthma and Reynolds disease. Okay, और डायबिटीज, जिसमें क्या रहता है कि हम लोग बीटा वन और बीटा टू ब्लॉकर दोनों नहीं देते हैं, सिर्फ क्या देते हैं? कार्डियो सिलेक्टिव देते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बीटा वन बीटा टू ब्लॉकर दोनों देंगे तो वो क्या करेगा? एस्मा को और
प्रेसिपिटेट कर देगा, ठीक है, या तो डायबिटीज में क्या करेगा ये इनहिबिट कर देगा ग्लाइकोजेनेसिस को, ओके ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट कर देगा। सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर, सो वी हैव फर्स्टली नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव। और मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो कार्डियो सिलेक्टिव, कार्डियो सिलेक्टिव, ओके। सो टॉकिंग अबाउट नॉन सिलेक्टिव, इट विल ब्लॉक बीटा वन एंड बीटा टू बोथ। Now talking about the cardio selective, it will only block the beta 1. Okay, it will only block beta 1. So firstly about non-selective blocker with intrinsic, sorry, non-selective blocker without intrinsic activity, without intrinsic activity. So in this we have propranolol, सोटालॉल एंड टीमोलॉल। वी हैव प्रोप्रेनोलॉल, सोटालॉल एंड टीमोलॉल। सो लॉल ड्रग्स किस में आ जाती है बेसिकली, मतलब अपने जो बीटा ब्लॉकर है वो सारे उसमें क्या आते हैं, लॉल ड्रग्स आती हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज विथ इंट्रिंसिक एक्टिविटी। So in this we have only one drug, that is pindolol. We have pindolol. Now talking about beta blocker with vasodilatory effect. Vasodilatory effect. Okay. So now talking about the beta blocker with vasodilatory effect, we have labetalol and carvedilol. Labetalol and carvedilol. Okay, so this is all about non-selective. Now talking about cardio selective, so we have nebivolol, beta zolol, bisoprolol, acebutol, esmolol, atenolol, या कहा जाए तो टेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड फाइनली सेलिप्रोलॉल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन सिलेक्टिव एंड कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। सो फर्स्टली अबाउट विदाउट इंट्रिंसिक एक्टिविटी, वी विल डिस्कस द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा ब्लॉकर फर्दर अबाउट इंट्रिंसिक एक्टिविटी और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, ओके, एंड वाटर सॉल्युबिलिटी। सो दिस इज नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विथ इंट्रिंसिक एक्टिविटी। सो वी हैव प्रोप्रेनोलॉल, सोटालॉल, टीमोलॉल, without intrinsic activity. With intrinsic activity we have pindolol, then with vasodilatory effect we have labetalol and carvedilol. Now moving on cardio selective, we have nebivolol, okay, betazolol, bisoprolol, acebutol, esmolol, tenolol and
नेक्स्टली वी हैव मेटोप्रोलोल एंड सेलिप्रोलोल. नाउ मूविंग ऑन फर्दर टुवर्ड्स द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर वी हैव सो नेक्स्टली दिस इज जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन. सो फर्स्ट जनरेशन बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ द नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स. वाई? बिकॉज दे आर ओल्डर. वाई? बिकॉज दे आर ओल्डर ड्रग्स. दे आर फर्स्टली मेड, दैट्स वाई नॉन सिलेक्टिव और फर्स्ट जनरेशन. नाउ टॉकिंग अबाउट कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स. सो दीज आर सेकेंड जनरेशन एंड न्यूअर ड्रग्स. ओके, न्यूअर ड्रग्स. एंड फाइनली वी हैव थर्ड जनरेशन ड्रग्स. सो इन दिस वी हैव PTPs. ठीक है, PTPs. ओके, सो प्रोप्रोलॉल, टीमोलॉल, पिंडोलॉल एंड सोटालॉल. निमोनिक क्या है? पीपीटीज भी कह सकते हैं. ठीक है, पीपीटीज. ठीक है, निमोनिक क्या है? पीपीटीज. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कार्डियो सिलेक्टिव, इन दिस वी हैव माबे. ओके, सो मेटोप्रोलॉल, एसब्यूटॉल, टेनोलॉल एस्मोलॉल बिस प्रोलॉल. ओके, सो निमोनिक भी है मा डे. नाउ लास्टली फॉर द थर्ड जनरेशन वी हैव निमोनिक बे दे लखन. वॉट? दे लखन, दैट इज बीटाजोलॉल, दिस ई इज साइलेंट. ओके, सो बे लखन. सो वी हैव कार्वे डिलॉल, सेलिप्रोलॉल, नाबिवो लॉल. सो दिस इज जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन. व्हाट आर द निमोनिक्स? पीपीटीज, माबे एंड बे लखन. ओके, ई स्मॉल, दैट इज इट इज नॉट इंक्लूडेड. सो बे लखन. So this is all about the generation wise classification. Now moving on towards the special features that beta blocker exhibit. Okay, so in the first classification we have seen that beta blocker with intrinsic activity or without intrinsic ISA. Okay, so this is intrinsic सिंपैथो माइमेटिक एक्टिविटी. इंट्रेंसिक सिंपैथो माइमेटिक एक्टिविटी. ओके, सो इन दिस व्हाट
अब इसमें ये कह रहा है सिंपैथोमाइमेटिक, मतलब क्या है कि बीटा ब्लॉकर है लेकिन ये क्या कर रहा है, सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ना तो वो ब्लॉक कर पा रहा है सही से और ना तो वो स्टिमुलेट कर पा रहा है। इसका साफ मतलब क्या है, दैट दीज ड्रग्स आर, दीज बीटा ब्लॉकर्स आर पार्शियल एंटागनिस्ट, एंटागनिस्ट। इसका मतलब क्या है, नीदर ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग कंप्लीटली नॉर हैव फुल्ली सिंपथेटिक और सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ ड्रग दैट इज एड्रिनलिन, डोपामिन ओके, इफ एड्रीनलिन एंड डोपामिन इज स्ट्यूमुलेटिंग द मायोकार्डियल रिसेप्टर्स ओके, एंड ईच डोपामिन और एड्रीनलिन प्रोड्यूसेस ओके, सो एड्रीनलिन एंड बीटा सॉरी एड्रीनलिन एंड डोपामिन इज स्ट्यूमुलेटिंग ईच रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसिंग हार्ट रेट ऑफ 10 ओके, हार्ट रेट ऑफ 10। सो व्हेन ईच रिसेप्टर, ईच 10 रिसेप्टर इज स्ट्यूमुलेटेड, देन हार्ट रेट ऑफ 100 विल बी अचीव्ड ओके। बट इफ वी आर प्रोवाइडिंग बीटा ब्लॉकर ओके, बीटा ब्लॉकर टू नॉर्मल इंडिविजुअल, बीटा ब्लॉकर टू नॉर्मल इंडिविजुअल इज इन इन फर्स्ट केस। सो नॉर्मल इंडिविजुअल जो रहता है वो बीटा ब्लॉकर के लिए उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहता। सो सपोज बीटा ब्लॉकर विल ब्लॉक और बाइंड बाइंड टू 10 to 30% ऑफ द रिसेप्टर्स, 10 to 30% रिसेप्टर, मतलब 10 में से वो कितने ब्लॉक करेगा, 3 ब्लॉक करेगा। सो इफ अगर 3 ब्लॉक करता है, सपोज अगर 3 ब्लॉक करता है नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर, सो देयर विल बी ब्रैडीकार्डिया ओके, देयर विल बी ब्रैडीकार्डिया। There will be bradycardia. इसका मतलब क्या है कि लेकिन इसमें जो ब्रेडीकार्डिया होगा वो उतना सीवियर नहीं होगा, वाई बिकॉज नॉट ऑल द रिसेप्टर्स आर स्ट्यूमुलेटेड ओके। सो हार्ट रेट कितना हो जाएगा, 100 में से कितना हो जाएगा, अगर 30 माइनस कर देंगे तो हार्ट रेट कितना होगा, 70 हो जाएगा, हार्ट रेट 70 होगा। लेकिन अगर बीटा ब्लॉकर के लिए सेंसिटिव इंडिविजुअल रहता है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर सेंसिटिविटी सेंसिटिव पेशेंट, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो बीटा ब्लॉकर के लिए सेंसिटिव है तो उसमें क्या होगा, पेशेंट के अंदर क्या होगा जो बीटा ब्लॉकर है, इट विल बाइंड टू 70 to 80% ऑफ द रिसेप्टर। सो हार्ट रेट विल डिक्रीज फ्रॉम 100 टू -70 इज इक्वल्स टू 30, सो देयर विल बी सीवियर ब्रेडीकार्डिया, सो देयर विल बी सीवियर ब्रेडीकार्डिया ओके, सो देयर विल बी सीवियर ब्रेडीकार्डिया। सो इसीलिए क्या होता है कि ऐसी ड्रग्स को प्रिफर करते हैं जिनके अंदर इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी हो, मतलब पार्शियल एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी हो। सो इफ वी यूज सी केस लेते हैं, ठीक है, इन पार्शियल एगोनिस्ट प्रॉपर्टी,
सो पार्शियल एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी में क्या रहता है कि ये सपोज अभी ये क्या है, ये पेशेंट का है कि 70% को यूज कर रहा है वो, तो देयर विल बी सीवियर ब्रैडीकार्डिया. ओके, कितना हार्ट रेट हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सो पेशेंट कैन डाई. लेकिन अब अगर जो सी वाला केस है, ये ए केस था, ये हमारा बी केस है, नाउ टॉकिंग अबाउट सी केस ऑफ पार्शियल अगोनिस्ट और इंट्रिंसिक हैविंग ड्रग हैविंग इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी. ओके, पार्शियल एगोनिस्टिक इफेक्ट, सो दे विल नीदर ब्लॉक इट कंप्लीटली. ओके, और नॉर सिंपैथोमाइमेटेड, मतलब क्या होगा कि अगर वो एक रिसेप्टर, अगर पार्शियल एगोनिस्ट यहां पे ब्लॉक कर रहा है, पार्शियल एगोनिस्ट ब्लॉक कर रहा है, सो वो कितना हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, 5 करेगा, ना कि 10 कर पाएगा. ठीक है, सपोज फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट 5 इसने डिक्रीज किया. सो इफ अ पेशेंट इज सेंसिटिव टू बीटा ब्लॉकर, सो इफ 70-80% ऑफ द ड्रग विल बाइंड टू द रिसेप्टर, सो 70-80% बाइंड करे. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, 75 is 35. ठीक है, सो हार्ट रेट जो डिक्रीज होगा वो 100 में से कितना होगा, 35 होगा. सो अगर 35 हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, सो रिमेनिंग विल बी 65, सो देयर विल बी नो सीवियर ब्रैडीकार्डिया. सो देयर विल बी नो सीवियर ब्रैडीकार्डिया. सो दिस इज द इंट्रेंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी दैट इज प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स ऑफ बीटा और सम ड्रग्स ऑफ बीटा ब्लॉकर. नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ दीज ड्रग्स, सो वी हैव कैप, दैट इज सेलिप्रोलॉल, टेनोलॉल, एसब्यूटॉल, सॉरी दिस इज सीएपी कैप, दैट इज सेलिप्रोलॉल, टेनोलॉल एंड पिंडोलॉल. सो दीज आर द ड्रग्स हैविंग इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, सो दे कैन बी यूज्ड और बिफोर एडमिनिस्टरिंग द बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर देने से पहले हम लोग हार्ट रेट को मॉनिटर अच्छे से करना चाहिए कि अगर पेशेंट सेंसिटिव है, ठीक है, सो उसमें क्या होगा, देयर विल बी सीवियर ब्रैडीकार्डिया, सो वी विल यूज पार्शियल एगोनिस्ट एट दैट टाइम. ओके, या कोई और ड्रग यूज करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर बीटा ब्लॉकर ही देना है, सिर्फ बीटा ब्लॉकर से ही हार्ट रेट सही होगा, देन वी विल गो फॉर द पार्शियल एगोनिस्टिक वंस. Now talking about the second property of the beta blocker, that is membrane stabilizing property. Okay, membrane stabilizing effect. Membrane stabilizing effect. Okay, या membrane stabilizing property कह सकते हैं. ठीक है, membrane stabilizing property. So, इस केस में क्या होता है कि मेम्ब्रेन को डिस्टेबलाइज या डीपोलराइज कहा जाए तो कौन सा आयन करता है, सोडियम आयन. ओके, सोडियम आयन. सो वी शुड प्रिफर अ ड्रग और वी अगर मेम्ब्रेन को हमको क्या करना है, स्टेबिलाइज करना है, सो वी शुड ब्लॉक द सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट. ओके, वी शुड ब्लॉक द सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट हो गया, सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन लोकल एनेस्थीजिया. ओके, लोकल एनेस्थीजिया इन ऑर्डर टू स्टेबिलाइज द मेम्ब्रेन. ओके, सो लोकल एनेस्थीजिया में ये प्रॉपर्टी यूज होती है. नेक्स्ट, इन केस ऑफ कार्डियक एरिदमिया, कार्डियक एरिदमिया में ये प्रॉपर्टी यूज होती है. एंड फाइनली इट इज यूज्ड इन ग्लॉकोमा
और कहा जाए तो इट इज नॉट यूज इन ग्लॉकोमा. ओके, दिस मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग ड्रग्स, फ्यू ड्रग्स हैविंग मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी, सो दीज ड्रग्स आर नॉट यूज इन ग्लॉकोमा फॉर लॉन्ग टर्म यूज. अगर कहा जाए तो लॉन्ग टर्म इन ड्रग्स का यूज नहीं करते हैं ग्लॉकोमा में. वाई, ऐसा क्यों? बिकॉज क्या होता है कि दिस इज आवर आई, इट इज सप्लाइड बाय ट्राइजेमाइनल नर्व. ओके, दिस इज आवर आई सप्लाइड बाय ट्राइजेमाइनल नर्व. ओके, सो व्हेन आई गेट इंजर्ड, ओके, जब आंख में चोट लग जाती है, कॉर्निया में चोट लग गई, सपोज कॉर्निया में इंजरी हो गई, सो कॉर्निया इज ए वैस्कुलर, ए वैस्कुलर मतलब इट इज नॉट सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, नॉट सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स. अब ये ब्लड वेसल्स से सप्लाइड नहीं होती तो ये वापस से हील नहीं हो पाएगी. सो अगर हमने क्या किया, मेम्ब्रेन डीपोलराइज, मेम्ब्रेन को स्टेबिलाइज करने की प्रॉपर्टी, अगर हमने क्या किया, अगर हमने कोई ऐसी ड्रग दी जो कि मेम्ब्रेन को स्टेबिलाइज कर रही है, सो इसकी वजह से क्या होगा कि अब इसको, अब जैसे इसमें इंजरी हो गई, कॉर्निया में इंजरी हो गई, तो बेटर वे क्या है कि मतलब आंखों का मतलब जो ये जो मूवमेंट है इसको हम लोग बंद ना करें. लेकिन ये जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी होता है. सो जो आई की मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे बंद होना कम हो जाती हैं. सो अगर इसको ग्लॉकोमा में हम लोग लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आई की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसेंसिटाइज्ड हो जाएगी. ओके, ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी, डिसेंसिटाइज हो जाएगी. अब अगर मेम्ब्रेन डिसेंसिटाइज हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर मेम्ब्रेन डिसेंसिटाइज हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, इंजुरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ओके, इंजरी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. दैट्स व्हाई दीज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग, मतलब दोज ड्रग्स हैविंग मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी वर नॉट यूज्ड इन ग्लॉकोमा. ओके, सो दीज ड्रग्स आर नॉट यूज्ड इन ग्लॉकोमा. ओके, सो अगर ये जो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट है, ठीक है, और कार्डियक एरिथमिया में यूज हो रहा है, लेकिन इसको ग्लॉकोमा में लॉन्ग टर्म यूज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि कॉर्निया में अगर इंजरी हो गई, ठीक है, तो बेस्ट वे ये है कि वो खुद तो हील करेगी नहीं, लेकिन वो क्या रहे, जो हमारी जो मतलब आईलिड्स हैं वो मूव करती रहे. लेकिन अगर क्या होगा कि अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मूवमेंट है मसल्स का वो नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि वहां पे लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट हो गया, ठीक है, या जो ट्राइजेमाइनल नर्व थी वो मतलब उसमें क्या हो गया कि उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो गई एक तरीके से, ठीक है. सो जब डीपोलराइजेशन नहीं होगा सो देयर विल बी नो मूवमेंट. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्रग्स हैविंग दिस, सो वी हैव निमोनिक पी ए एम ई एल, दैट इज पैमल, पैनल बोलते हैं वैसे पैमल, ठीक है. सो दीज ड्रग्स आर पिंडोलॉल, पिंडोलॉल, एस ब्यूटॉल, मेटोप्रोलॉल, एस्मोलॉल एंड लेबेटालॉल, जिसमें से जो मैक्सिमम स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो किसके अंदर रहती है, मेटाप्रोलॉल के अंदर होती है. क्या रहती है, मैक्सिमम स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो कैटेकोलामीन, कैटेकोलामीन एंड एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, एंड अदर एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट. So this is our beta receptor. Okay, so these are acting as an agonist. Okay, so these are acting as an agonist. I'm now talking about propranolol.
एंड अदर ड्रग्स. सो दीज आर एंटागोनिस्ट एट द बीटा रिसेप्टर. एंटागोनिस्ट एट द रिसेप्टर. ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द फार्मेकोलॉजिकल एक्शन. फार्मेकोलॉजिकल ओके नाउ टॉकिंग अबाउट फार्मेकोलॉजिकल एक्शन. सो फर्स्ट इफेक्ट ऑन द सीवीएस, जैसा कि हम लोग सबसे पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं. सो सीवीएस की अगर बात करें, सो क्या कर रहा है ये, बीटा वन को क्या कर रहा है, बीटा वन को ब्लॉक कर रहा है. सो बीटा वन को जब ब्लॉक करेगा, सो इट विल डिक्रीज हार्ट रेट और नेगेटिव क्रोनो ट्रॉपिक इफेक्ट. ओके नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, इट विल डिक्रीज हार्ट रेट, इट विल डिक्रीज एवी कंडक्शन. It will decrease force of contraction. Okay. It will decrease myocardial demand for O2. Okay. It will decrease myocardial demand for oxygen, or it will decrease the refractory refractory period of AV conduction. It will increase RMP. Okay, so these are the effects of beta blocker on CVS. Why? Because of beta 1 blocking activity. So it is cardiac inhibiting. Okay. Stimulating नहीं है. Cardiac muscle पे क्या है? Inhibiting effect है. Okay. Now talking about the next, we have on the secondly on the blood vessels. So ये heart के अंदर ही आ जाएगा, CVS के अंदर ही आ जाएगा. Nextly, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, heart पे effect था. Now talking about the blood vessel. So it will decrease the peripheral vascular resistance. Okay, so it will decrease the peripheral vascular resistance. Why? Because of unopposed, or it will increase the peripheral vascular resistance. Sorry. Beta 1 क्या करता है कि वेजो डायलेशन कराता है, तो पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा. लेकिन बीटा वन ब्लॉकेड की वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस. इंक्रीज्ड पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस ड्यू टू अनअपोज्ड अल्फा वन एक्शन. एंड व्हाट इज इट्स एक्शन, दैट इज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. सो इट विल इंक्रीज द पेरीफेरल vascular resistance. And now you all were able to relate, okay, these things, because we have discussed it in our previous lecture. Okay, now talking about the next one, that is on the bronchi. Or agar baat kare to smooth muscle ke topic ki ab baat kar rahe hain. Smooth muscle. Okay, smooth muscle mein hum log basically bronchi, GIT and kiske bare mein padhte hain, किडनी के बारे में पढ़ते हैं. लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, सिर्फ ब्रोंकाई को डिस्कस करेंगे. सो ब्रोंकाई में क्या कराता है कि जो बीटा ब्लॉकर, जो बीटा वन की एक्टिविटी होती है, सॉरी अब किसकी एक्टिविटी चालू हो गई, बीटा टू की स्टिमुलेशन. सो बीटा टू का स्टिमुलेशन क्या कराता था, ब्रोंको डायलेशन करा रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बीटा टू ब्लॉकेड हो रहा है. सो इट विल कॉज ब्रोंको स्पाजम. और इसको और क्या कह सकते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. सो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, सो बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एज्मा, ब्रोंकियल एज्मा एंड सीओपीडी. सो बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ब्रोंकियल एज्मा एंड सीओपीडी. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एक्शन, फोर्थ एक्शन ऑन आई. सो इट विल डिक्रीज द
फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, इट विल डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर. सो इट विल डिक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ वन. ओके, ऑन द स्केलेटल मसल, पहले ही बात किया था कि डीपोलराइजेशन नहीं होगा. ओके, सो जब डीपोलराइजेशन नहीं होगा सो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी वीकनेस. वीकनेस, टायर्डनेस ड्यू टू बीटा टू ब्लॉकिंग एक्टिविटी. ओके, ड्यू टू बीटा टू ब्लॉकिंग एक्टिविटी. ठीक है, अब बीटा टू ब्लॉकिंग एक्टिविटी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस और टायर्डनेस होगा. सो इस कंडीशन का हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं, सो बीटा टू ब्लॉकर्स आर यूज इन स्ट्रेस इंड्यूस्ड और टू डिक्रीज स्ट्रेस इंड्यूस्ड ट्रेमर्स में. ओके, सो बीटा टू ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन स्ट्रेस इंड्यूस्ड ट्रेमर्स. तो ये आई और स्केलेटल मसल के ऊपर इफेक्ट हो गया. नाउ टॉकिंग अबाउट द मेटाबॉलिक इफेक्ट. सो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इट विल इनहिबिट ग्लाइकोजीनोलाइसिस. ओके, सो इट विल डिक्रीज द रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिया. मास्क द एक तो ये काम करेगा, दूसरा क्या करेगा, ब्लॉक वार्निंग सिग्नल्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया. ब्लॉक वार्निंग सिग्नल्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया. और अगर क्रॉनिक यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर्स का, क्रॉनिक यूज अगर करते हैं, सो इट विल अफेक्ट द लिपिड प्रोफाइल, इट विल डिक्रीज द एच डी एल एंड इंक्रीज द एल डी एल. सो एच डी एल और एल डी एल रेशियो को अफेक्ट करता है, लीडिंग टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड दोज डिजीजेस which will get implicated on increasing the bad fat, that is LDL. LDL क्या होता है, bad fat होता है. HDL क्या होता है, good fat होता है. ठीक है, so HDL का amount को decrease करेगा और LDL के amount को increase करेगा. So ये HDL और LDL के ratio को भी affect करता है on chronic use. Okay. Now talking about the pharmacokinetics. Okay, pharmacokinetics. So in this we have propranolol, propranolol. So it is highly lipid soluble. First thing, it is highly lipid soluble. Absorbed from GIT. Ab lipid soluble hai, so it will have extensive first pass metabolism. High extensive first pass metabolism, high extensive first pass
मेटाबॉलिज्म। ओके, इट इज प्रो ड्रग एलिमिनेटेड इन यूरिन। ओके, सो प्रोप्रेनॉल इज हाईली लिपिड सॉल्यूबल ड्रग। नेक्स्ट इज इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज शॉर्ट। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज शॉर्ट। ओके, सो एब्सॉर्ब्ड क्विकली फ्रॉम द जीआईटी, इट इज प्रो ड्रग। ओके, एलिमिनेटेड इन यूरिन। ओके, ठीक है, और क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लार्ज, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लार्ज। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोप्रेनोलॉल, दैट इज इट इज फ्रीली टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। इट इज फ्री टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, फ्री टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस आवर कंटिन्यूइंग विथ बीटा ब्लॉकर लेक्चर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।